everyone, how are you all doing? Today we are going to start with the 27th chapter from your Grammar Glitter Odyssey English language book by the Brain Root series. आज हमारे चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. चलिए इस चैप्टर में देखेंगे अब हमारे पास क्या है. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब एक सेंटेंस के अंदर किसी स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स कोट किए जाते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है. जैसे रीना सेड आई लव टू प्ले, तो रीना के ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स थे आई लव टू प्ले. तो जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है. जो हमारा सेड है वो रिपोर्टिंग वर्ब है क्योंकि वो हमें बता रहा है सेड. और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? जो उसने बोला. ठीक है, ये दोनों क्राइटेरियाज आपको पता होने चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब क्या होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब हम एक्चुअल वर्ड्स को कोट नहीं करते बट मीनिंग सेम रहता है. जैसे रीना सेड दैट शी लव्स टू प्ले. अब हमने एक्सप्रेस करे हैं रीना के वर्ड्स, हमने एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट नहीं करा. अब हमने कैसे लिखा है? रीना सेड दैट शी लव टू प्ले. ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है. अब आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? चेंजिंग द रिपोर्टेड वर्ब एंड टेंसेस. चलिए एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले क्या है? चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब एंड टेंसेस. ठीक है, देखेंगे अब रिपोर्टिंग वर्ब और टेंसेस किस तरीके से चेंज होते हैं. कहीं भी लिखा हो से या फिर सेज तो वो से या सेज ही रहता है इनडायरेक्ट में. से टू लिखा होगा तो टेल हो जाता है. सेज टू टेल्स. सेड का सेड ही रहता है. सेड टू टोल्ड आंसर्ड रिप्लाइड. ये सारे वर्ड्स आप जो दिख रहे हैं आपको, आप ये लिख सकते हैं. ठीक है, डू डज प्लस द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप डिडेंट लगाते हैं प्लस द फर्स्ट फॉर्म. इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है. हैज हैव हैड में चेंज हो जाता है. ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में जो हमारी वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म है तो आप इनडायरेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. वॉज वर्ब के साथ आप इनडायरेक्ट में हैड में चले जाएंगे. मे माइट में चेंज हो जाएगा. विल वुड में, शैल शुड में और कैन कुड में. ठीक है, रजीत विल से मनोज बाद इन द द ऑफिसर टोल्ड मिस्टर रॉय टू नॉट टेक दिस रोड एज इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन की फॉर्म में है. अगर आपको इसका आंसर बताना है तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, एक एक वर्ड पे जोर डालिएगा. द ऑफिसर टोल्ड मिस्टर रॉय दैट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि दैट और जो हमारा नॉट है वो एक साथ नहीं लगा सकते. तो क्या आएगा? द ऑफिसर टोल्ड मिस्टर रॉय टू नॉट टेक दिस का क्या हो जाएगा? डैट. डैट रोड एज इट वॉज बींग प्रिपेयर्ड. समझ आ गया आपको मेरी बात? नेक्स्ट देखेंगे. द आर्टिस्ट सेड द पेंटिंग्स आर नॉट फॉर सेल. द आर्टिस्ट सेड दैट द पेंटिंग्स वर नॉट फॉर सेल. हमने आर को वर में बदल दिया. मदर सेज सिमी इज गोइंग टू दिल्ली. मदर सेड दैट सिमी वॉज गोइंग टू दिल्ली. फोर्थ, अमृता सेड मिस्टर सिंह एंजॉयज गुड हेल्थ. अमृता सेड दैट मिस्टर सिंह एंजॉयड गुड हेल्थ. ठीक है, आपको टेंस का भी ध्यान रखना है. शी सेज द एजेड इन द सिटी आर इनसिक्योर. शी सेज दैट द एजेड इन द सिटी वर इनसिक्योर. ठीक है, लास्ट टू आप खुद ट्राई करेंगे सिक्स्थ एंड सेवेंथ होमवर्क के अंदर. प्लीज ट्राई कर लीजिएगा. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग कंजंक्शन. सेकेंड कैसे कर सकते हैं आप? जब आप कंजंक्शंस को इंसर्ट करेंगे. जैसे क्या? मनी सेड टू तानी द अर्थ इज राउंड. मनी सेड टू तानी डैट द अर्थ इज राउंड. तो डैट हमारे कंजंक्शन है, हमने कंजंक्शन को ऐड कर दिया है. आरती सेड टू भारती आर यू क्रेजी. आरती आस्क्ड भारती इफ या फिर वेदर शी इज क्रेजी. ठीक है, नेक्स्ट मंजीत सेड टू गुमीत वर्क हार्ड. मंजीत एडवाइज. ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक एडवाइस देना है तो आप एडवाइज वर्ड यूज करेंगे. मंजीत एडवाइज्ड गुरमीत टू वर्क हार्ड. माई टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट टाइम. माई टीचर वॉन्ड मी डू नॉट वेस्ट टाइम. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी के साथ. मीरा सेड हाउ क्लेवर आई एम. मीरा एक्सक्लेम्ड दैट हाउ क्लेवर. सेकेंड, हुर्रा वी हैव वन द मैच सेड ही. इसे चेंज कैसे करेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में? He exclaimed that they had won the match. Third one,
Meera said to Sheila, Binny has been sleeping for 2 hours. Iska kya hoga? Meera told Sheena that Binny had been sleeping for 2 hours. He asked me, will you help me today? Today ka that day likh sakte hain aap ya fir the present day bhi likh sakte hain. Today ko hum indirect speech mein the present day likhte hain. So he asked me if I can help him that day. ठीक है, that day आप use करेंगे अगर yesterday होगा. यहाँ पे today है तो आप क्या बोलेंगे? The present day. तो क्या होगा final answer? He asked me whether I will help him the present day. 5th, 6th, 7th, and 8th, please try yourself in your homework. Third one, the following types of reported speech are not changed. जो भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई फैक्ट हो, वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होता. कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, कोई प्रोवर्ब हो, मतलब कोई बोल जो हम प्रोवर्ब्स बोलते हैं, कोई प्रोवर्ब हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते. जैसे द टीचर सेड द सन इज़ हॉट. सन तो हॉट ही होता है, इट्स अ फैक्ट. तो आप इसको वॉज नहीं बनाएंगे, इसको वॉज नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा टीचर, क्योंकि ये एक फैक्ट है. ममता सेड रिया ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. ये एक हैबिचुअल फैक्ट है, तो ममता सेड दैट रिया ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. ही सेड आई विल सिट इन माई ग्रैंड पास रॉकिंग चेयर. ही सेड दैट ही विल सिट इन हिज ग्रैंड पास रॉकिंग चेयर. आई सेड रमेश वर्क्स इन शिमला. आई सेड दैट रमेश वर्क्स इन शिमला. ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आप खुद ट्राई करेंगे, खुद से रीराइट करेंगे. चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स. प्रोनाउन्स एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स ऑफ द फर्स्ट पर्सन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ठीक है, आई माय में हो जाएगा, ठीक है, ही हिज में हो जाएगा, शी हर में हो जाएगा, इस तरीके से. जैसे राधा सेड टू मी योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू. राधा टोल्ड मी दैट माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, इस तरीके से. ठीक है, I said he will do his work carefully. I said that he would do his work carelessly. ठीक है, अब tick the correct pronouns and possessive adjectives to complete the sentences. ठीक है, हमें correct pronoun use करना है. I am making a card for you, said Itty to grandmother. Itty told grandmother that I was making a card. Yeah, she was. Yes, she was making a card. Let me highlight it. So that आपको बेटर दिखे. That she was making a card for her. ठीक है, we finished our work, said the children. The children said that they had finished their work. इस तरीके से आपको प्रोनाउन्स यूज करने हैं. They go to school in my van, said Mrs. Patel. Mr. Patel said that they go to school in her van. I hope you are clear with this. Moving on. He gave me a cap, said Kabir to his father. Kabir told his father that he had given Dash a cap, given him a cap. ठीक है, तो I hope आपको ये exercise भी clear हो गई होगी. चलिए आगे देखेंगे आप change in nearness. ये जो मैं आपको बता रही थी ना, ये वो है. दिस का डैट हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है. डायरेक्ट में ये ऐसा रहता है, बट इनडायरेक्ट में ये ऐसा हो जाता है. हेयर देयर, अगो का बिफोर हो जाता है, जस्ट का देन हो जाता है. कम गो, टुमारो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक. ठीक है, नेक्स्ट द डे बिफोर यस्टरडे, टू डेज बिफोर, दीज दोज. उसके बाद does, so, now, then, tonight, that night, today, that day. ठीक है, yesterday, the previous day, last day, the previous day. ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको आनी ही चाहिए. ये डायरेक्ट की है और ये इनडायरेक्ट की है. ये डायरेक्ट की है, ये इनडायरेक्ट की है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. चलिए आगे देखेंगे अब हमारे पास क्या है. He said to me, Manik will not go today. He told me that Manik would not go today. का क्या हो जाता है? That day. Ramesh said, I saw the Taj 2 years ago. Ramesh said that he had seen the Taj 2 years before.
ठीक है, चलिए अब ये करेंगे हम. आई लिव हियर, रोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स. रोहन टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही लिव्स देयर. हेयर का क्या हो जाएगा? देयर. पोला सेड टू मी, आई वॉन्ट टू सी द बुक आई गेव यू यस्टरडे. पोला आस्क्ड मी टू. द टीचर सेड टू शेली, व्हाई आर यू लाफिंग. द टीचर आस्क्ड शेली, व्हाई वॉज शी लाफिंग. कॉल द फर्स्ट कन्विक्ट, सेड द ज्यूरी. द ज्यूरी ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट कन्विक्ट. ठीक है, किस तरीके से हमने क्या यूज़ करा यहाँ पे? ऑर्डर्ड, क्योंकि ऑर्डर हमें लग रहा है कि ये ऑर्डर दिया गया है, राइट. लास्ट फोर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ, आप प्लीज़ खुद घर पे ट्राई करिएगा. आई होप यू कैन डू इट. ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या है? प्रोवोकेशन. ये भी हमारी एक्सरसाइज है, इसे हम देखेंगे अब. अंडरलाइन द एरर्स इन द सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड रीराइट देम. अब हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच के एरर्स हमें फाइंड करने हैं. She said I may write to him. She said that she might write to him. ये change होगा. Was going to buy a bicycle. Change आप खुद लिखेंगे in homework. ठीक है, मैंने आपको hint दे दिया है. I'm sure अब तक आपको समझ आ गया होगा. और still आपको कोई doubt होगा तो आप अपने वो वाले table पर जा सकते हैं which was given on the second या फिर third page of the book. My sister said the best students will be rewarded. My sister said that the best students. ये चेंज होगा ऑब्वियसली. क्या चेंज होगा ये आप खुद लिखेंगे. ठीक है, द ज्योग्राफी टीचर सेड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ज्योग्राफी सी टीचर सेड दैट एशिया हैज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. नहीं, ये सेम रहेगा. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये एक फैक्ट है. एंड द फिफ्थ वन ऑल्सो, ये आपको खुद ट्राई करना है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. हमारे पास एक और एक्सरसाइज है. रीड द डायलॉग्स बिटवीन द टीचर एंड हर स्टूडेंट. ठीक है, टीचर वी विल बी सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे एट स्कूल टुमारो. अमिर, रियली व्हाट फन. डू वी नीड टू वेयर आवर स्कूल यूनिफॉर्म्स टुमारो. टीचर, नो यू नीड नॉट. अमिर ने हैप्पीली बोला, ओ इट विल बी सो ग्रेट. टीचर, यू मे इवन इनवाइट 5 चिल्ड्रन ऑफ योर लोकैलिटी टू द इवेंट. अमिर, वाओ दे वुड लव टू कम. टीचर, आई होप टू सी यू टुमारो. And Amir said, I will surely be there. ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से इन्होंने ये कॉन्वर्सेशन करी है डायरेक्ट स्पीच के अंदर. Amir is excited about the Children's Day celebrations. Thank you so much for watching. I will meet you in the next now. Till then, goodbye and take care.